नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूं आशीष और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आधार कार्ड से रिलेटेड है। आप कई बार कैफे जाते होंगे और कई सारे पैसे देके और आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर निकालते होंगे। तो मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी आप निकाल सकते हो, वो भी आसानी से। आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे डाउनलोड किया जाता है आधार कार्ड वो आपको बताते, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आ गए हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन में और आपको दिखाते हैं कैसे डाउनलोड किया जाता है। सबसे पहले अपने जो गूगल है उसको खोल लेना है। यहाँ खोल लेने के बाद आपको टाइप करना है आधार कार्ड डाउनलोड। हो गया है यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड। के बाद नीचे जो ई आधार का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यह जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें कि नीचे आपको आधार कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आधार कार्ड जो ऊपर में लिखा हुआ आधार कार्ड नंबर इसी में रखना है। उसके बाद अपना जो आधार कार्ड है उसको डाल लेना है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन से लिंक होना चाहिए ताकि उसमें जो OTP आए उसको ही आप डाल के यहाँ पे आप खोल सकते हैं। तो मेरा जो है आधार कार्ड का नंबर वो डाल लेते हैं। यहाँ पे डालने के बाद अपना जो है कैप्चा कोड उसको डाल लेना है। तो कैप्चा कोड जो है वो मैं डाल लेता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड OTP का जो ऑप्शन है वो आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन है, जो OTP ऊपर होगा। मेरा OTP आ गया, उस OTP को मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमारा जो आधार कार्ड है वो खुल जाएगा। लेकिन किस तरह से, यहाँ पे जो पासवर्ड मांग रहा है उसमें पासवर्ड में क्या देना है? आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम 4 वर्ड देना है। आगे जो आपके नाम का जो पहला लेटर 4 है वो दे देना है और सब कैपिटल लेटर में। जैसे कि मेरा है ASHISH आशीष और 4 वर्ड हो गया। अच्छा सॉरी, फर्स्ट जो नाम है उसका 4 वर्ड देना है, तो ASHI, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, तो वो जो ईयर जो दिया हुआ है 1981 जो दिया है, 2003 2002 वही देना है। तो मेरा जैसे है 2004, मैंने दे दिया ओपन। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो बस यही जो ट्रिक है इसी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको राइट साइड में जो ऊपर में 3 डॉट्स दिख रहा है इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें अपना जो नाम है वो डालना है तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर लेना है। प्रिंट के बाद यहाँ राइट साइड ऊपर में आप PDF का ऑप्शन देख रहे होंगे, उसमें आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे जो ई आधार कार्ड लिखा हुआ है इसको यहाँ से काट लेना है और जो आपका नाम है वो लिख लेना है, ताकि आपका जो फाइल है वो आसानी से आपको मिल जाए। तो मैं अपना आप नाम लिख लेता हूँ ASHISH। उसके यहाँ सेव का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ सेव करने के बाद आपका जो है वो डायरेक्ट आपके फाइल मैनेजर में पहुंच चुका है। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। तो मेरा फाइल यहां पे है, यहां पे आप खोल लेते हैं। उसके बाद मेरा जो PDF या डॉक्यूमेंट्स, यहां देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में आएंगे और यहां पे सर्च करेंगे आशीष तो आ जाएगा फर्स्ट में, ASHISH आशीष आधार कार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं किससे खोलूँगा तो गूगल ड्राइव से सिक्योर रहता है, यहाँ से खोल सकते हैं आप। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।